और मम्मा ना डेली व्लॉग में देखते हैं कि ओंकार जो है मुक्ति के घर पे पनीर खा रहा है, तो आज मम्मा क्या बनाया आपने? मम्मा ने कोशिश पूरी करी है मुक्ति की मम्मा के स्टाइल वाला पनीर बनाने की। हेलो जी OMG फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल है, होप यू आर डूइंग बेमिसाल। आज का दिन है वो होने वाला है सुपर डुपर बिजी, क्योंकि काफी काम है करवाने के लिए। अभी फिलहाल जो काम चल रहा है वो है जी AC की अनइंस्टॉलेशन का। यहाँ पे भैया वगैरह जो है लगे हुए हैं। दरअसल स्टूडियो में जो AC हमने लगाए हुए हैं वो यूज में आते नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ जो घर हमारा रेनोवेट हो रहा है जहाँ पे AC यूज में आएंगे वहाँ पे नए वाले AC लगवाते हैं, और जो वहाँ पे AC लगे हुए हैं उनको यहाँ पे स्टूडियो में लगा देंगे। और अपने ये वाले कमरे को देख के ना मेरा हर बारी मन करता है कि अपना जो रिएक्शन चैनल है OMG React उसे रीएक्टिवेट करें, उसके लिए और वीडियोस करें, रिएक्शन वीडियोस बनाएं। पर भाई साहब, दो चैनल्स होने के बाद तीसरा चैनल संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उसके लिए कंटेंट बनाना नियर टू इम्पॉसिबल है। जितने भी यूट्यूबर्स मल्टीपल चैनल्स चला रहे हैं ना, उनको सलूट है, टाइम मैनेजमेंट उनसे सीखनी चाहिए। और अब अपनी गाड़ी की होने वाली है अग्नि परीक्षा। मैं एक्चुअली पोर्टर बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर पोर्टर कोई बुक हो ही नहीं रहा इस टाइम पे, अवेलेबल कोई है नहीं है, तो मुझे लगा शायद थार की डिग्गी में 2 AC आ जाएंगे, पर अब मुझे नहीं लग रहा। और अगर बाई चांस आ भी गए इसके अंदर 2 AC, तो अपनी जो ये सीटें हैं ये खराब हो जाएंगी, तो रिस्क नहीं लेंगे। पोर्टर जो है अपना हो चुका था बुक, और इतना ज्यादा सामान मैं सोच रहा था इसके अंदर लेके जाने का बिल्कुल भी पॉसिबल। अभी ना तैयार श्यार होके मैं चला गया था घर रेनोवेशन का काम खत्म करवाने। गुड थिंग इज दैट कि काम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 3-4 दिन और फिर हम आपको दिखाएंगे फाइनल रिजल्ट रेनोवेशन का जो आया है। एंड अभी थोड़ा और सामान है जो लेके आना है, तो चलते हैं। पर उससे पहले आज फिर मैं खाने लगा हूं अमृतसरी कुलचा। देखो डाइटिंग जो है ना वो तो मेरे बस की है नहीं है, तो मैं उसको करने की अब कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा, पर जो कोशिश मुझे करनी है ना वो ये कि डेली वर्कआउट जरूर करना है, कि एटलीस्ट जो खा रहा हूँ उसे तो पचा लूं। अब इसको खत्म करके चलते हैं सामान लेने। वैसे तो घर के लिए सारी लाइटें जो है मैं ले चुका हुआ था, पर एक जगह ना हैंगिंग लाइट लगनी है, मैंने ये वाली फाइनल करी है, साइज बहुत अच्छा है। झूमर तो है ले लिया हुआ, और अभी मुझे मुक्ति का आया था कॉल, उसने दिया स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस कि कल ना जाना है डॉक्टर के पास, तो अपनी गाड़ी जो है वो बदल लो, क्योंकि स्टिचेस के साथ ना मुक्ति से फौजा में बैठा नहीं जाता है। तो एक बार घर फिर से चलते हैं, गाड़ी अपनी एक्सचेंज करते हैं, और जो सामान लिया उसको भी घर छोड़ देंगे। घर पे आया था मैं गाड़ी चेंज करने, पर यहाँ पे आते ही पेंटरों ने डिमांड कर दी हुई है कि पेंट खत्म होने वाला है, पेंट लेके आओ। तो अभी चलते हैं पापा के साथ पेंट लेने। मैंने अभी जस्ट चेक किया कि सुबह से घर के कामों की भागदौड़ करके मेरे 10,000 स्टेप्स जो है वो पूरे हो चुके हुए हैं। ना मैं जिम गया, ना मैंने कोई सैर करी, बस घर के कामों की भागदौड़ करके 10,000 स्टेप्स पूरे हो गए। एंड हमारे घर का जो टीवी है उसका रिमोट खराब हो गया था, तो अभी लेने गए थे पापा, जो कि मिल चुका हुआ है। और मम्मा ना डेली व्लॉग में देखते हैं कि ओंकार जो है मुक्ति के घर पे पनीर खा रहा है, तो आज मम्मा क्या बनाया आपने? आज फाइनली पनीर बनाया। वैसा तो नहीं मेरे से बनता, वो तो मुक्ति के मम्मा बहुत स्वाद बनाते हैं, पर मैंने पनीर बनाया है कि लालच देने के लिए कि पनीर बनाऊंगी तो शायद खाना खा लोगे। और अभी मम्मा जबरदस्ती मुझे कह रहे हैं कि खाना खा के जा, ऐसे नहीं जाना, तो चलो खाना खाते हैं। अब मम्मा ने कोशिश पूरी करी है मुक्ति की मम्मा के स्टाइल वाला पनीर बनाने की, पर टेस्ट में बिल्कुल ही डिफरेंट था सच बोलो तो, क्योंकि ना मतलब मुक्ति के मामा पनीर में PhD कर चुके हुए, और ये भाई साहब छलांगे मारने से नहीं हटते हैं। पर हमारे घर पे रीति रिवाज बरकरार, दादाजी लगे हुए न्यूज देखने। नाउ जी लेट्स गो मीट एंड महावीर एंड उसकी मम्मा, एंड आई जस्ट होप कि इस टाइम ना महावीर उठा हुआ है, शैतानियां करने के मूड में, अपने पापा के साथ पंगे ले, नहीं तो जब भी जाता हूँ ना उस टाइम पे सुस्ती डिक्लेयर करी होती है, उसने उठा हुआ है। और यहाँ पे आते ही सबसे पहले करने रीति रिवाज पूरे, जो कि टेडी को खूबी देनी है। और ये देखो भाई, जब लालच से इसका टैलेंट निकलता है, इधर दो पैरों पे खड़के इधर, हाँ 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 ये ले, टैलेंट बहुत है टेडी में, बस स्कूबी के लालच से ही निकलता है, फिर तो भाई जितने मर्जी करतब करवा लो इसे। और यहाँ पे माँ और बच्चे दोनों की फीडिंग चल रही है। महावीर को हुए 2 हफ्ते हो चुके हुए हैं, एंड अभी तक मुक्ति की हर रिश्तेदार के साथ बात नहीं हुई है, तो डेली ये 1-2 रिश्तेदारों के साथ लंबी बात कर ले, हर कोई अपनी अपनी सलाहें जो है वो देता रहता है। अभी ये मेरी कजन से बात कर रही है, एंड वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है और बता रही है कि ये प्रिकॉशंस रखना, ऐसे करना वैसे करना। और मम्मा महावीर का आज का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? आज अच्छा, आज ठीक, आज हमने उल्टा डाला, एक्सरसाइज कराई, मैंने कहा गैस कल नहीं लेने। अच्छा आज, 2-3 टाइम आज उसने नानी नहीं याद करवाई, नानी को नानी नहीं याद करवाई।
आजकल महावीर के साथ टाइम स्पेंड करके इतना ज्यादा अच्छा लगता है ना, क्योंकि अभी एक्टिव होता जा रहा है। मतलब यूजली पीट लेके सो जाता होता था, अब उठा रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है अपनों की क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैं तुम गलत टाइम पे आए हो, तुम्हें मैंने पहले बोला था दिन में आना था, ये और एक्टिव होता है, अभी ये सोने की उसमें है। अभी भी एक्टिव है? हाँ एक्टिव है, बट सुबह और तंग करता है ना। क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा है ना, अभी मतलब परेशान नहीं कर रहा है। देखो अभी ओंकार के पास क्वालिटी टाइम वाला वो है बोलने के लिए, बट कोई बात नहीं ओंकार, बाद में तुमने संभाल लिया, तुमने और मैंने संभाल लिया बच्चे। ओ हेलो, क्वालिटी टाइम तो अभी देखना तुम अभी आएगा। क्योंकि मेरे को भी जितने लोगों से बात हो रही है सब यही कह रहे हैं कि अभी तो बच्चा तंग ही नहीं कर रहा है, असली तो तब पता चलेगा जब बच्चा चलना शुरू करेगा, फिर वो ज्यादा मतलब उस टाइम पे थोड़ा ज्यादा डर लगता है क्योंकि बच्चे बेड से नीचे गिर जाते हैं और भी ज्यादा शरारते करते हैं। भाई साहब आज तो सुचिता चमत्कार हो गया, पहली बार ऐसा हुआ है कि मम्मी कोल्ड कॉफी ओंकार के साथ साथ मेरे लिए लेके आई है। तो ये है जी मुक्ति के लिए पूरा ग्लास कोल्ड कॉफी, 9 महीने बाद पूरा ग्लास पीने वाली है तू। 9 महीने से तूने हाँ? अभी जब से मैं यहाँ पे आई ना घर पे हाँ? वो छिला बोलता है कि छिला का टाइम चल रहा है। अच्छा। कुछ ठंडा दे ही नहीं रहे ना पानी। अच्छा। ठंडा फ्रूट्स भी जो होते हैं ना, अभी रुक दो पीतो आराम से हाँ? जो फ्रूट्स भी है वो भी बॉईल करके दे रहे हैं, फ्रिज से निकालते हैं हाँ? घंटा पहले, घंटा दो घंटे पहले बाहर। अच्छा। उसके बाद कट करके देते हैं कि इसको ठंडा रह दे। आज आपने कैसे दे दी कॉफी? तरस आ गया। और मम्मा आज सुबह ना शाम को दोपहर को मम्मी कहते हाँ ठंडा ठंडा पानी पीती हूँ फ्रिज में जाके। तेरे सामने जब ऐसी ठंडी बातें होती है तुझे तो कैसा लगता है? कैसा पानी पी रही हूँ? कहते मैं तो पी सकती हूँ, मेरा थोड़ी चिल्ला चल रहा है तेरा चल रहा है। मैंने कहा एक तो मुझे चढ़ा रहे हो। थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो मच। वो दूध पी रहा तो कॉफी पी? वैसे मैं इतनी पीऊंगी नहीं, थोड़ी सी पीऊंगी। अच्छा अभी तक पी ले? नहीं कॉफी मैं आज तक को ज्यादा, मेरे ख्याल से ज्यादा एनर्जेटिक इस वजह से तो नहीं कि तू कौन सा पीती है। मैं पीता हूँ, मैं तो जीरा पता किस किस का पानी ये सब पी रही हूँ। अभी ना मुक्ति के मसाज वाली दीदी जो है वो आ चुके हुए हैं, तो मुक्ति तो लग गया करवाने अपनी मसाज और महावीर के साथ खेल खोल के आ गया। मेरे को बहुत ज्यादा मजा, बारी आ चुकी है अब चलने की स्टूडियो। अभी ना सुबह के बज रहे हैं 4:45, मैं ना स्टूडियो आते ही सो गया था, अभी उठा हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि दोबारा सो जाऊँ या अभी सैर या फिर जिम जाऊँ। 5 बजे होते तो शहर में जिम चले जाता, पर बहुत ज्यादा जल्दी है मैं दोबारा सोने लगा। आज का जो ब्लॉग है यही पे करते हैं खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर, बाकी अगले ब्लॉग में आपको पता लग जाएगा मैंने क्या किया, सोया या सैर कर दे गया।